नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेताओं ने विभिन्न गुटों में बटी पार्टियों को एकजुट करने के लिए रविवार को मुख्यालय पर एक बैठक बुलाई, जिसमें युवा कांग्रेस छात्र इकाई NSUI और महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल थे। सभी को सलाह दी गई है कि वह राजनीतिक गुटबाजी से ऊपर उठकर कांग्रेस अध्यक्ष के वचन पत्र में किए गए वादों को घर घर तक पहुंचाने का काम करें, ताकि उन्हें समाज के विभिन्न वर्गों का समर्थन हासिल हो सके। दरअसल टिकट की घोषणा होने के एक सप्ताह बाद रविवार को शिंदे की छावनी स्थित कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में कई दिनों बाद चहल पहल दिखी। युवा कांग्रेस NSUI और महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को विशेष तौर पर बुलाया गया था। सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की गई है कि वे अपने आपसी गुटबाजी में न फंसे और पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के वचन पत्र की घोषणाओं को जन जन तक पहुंचाएं, क्योंकि युवा शक्ति से ही कांग्रेस को बड़ी आस है। खास बात यह है कि कांग्रेस के ग्वालियर संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी अशोक सिंह को दिग्विजय सिंह गुट के माने जाते हैं। हालांकि कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी उन्हें समर्थन हासिल है। ज्यादातर सिंधिया समर्थक कार्यकर्ता शिवपुरी और गुना में अपना डेरा डाले हुए हैं। ऐसे में स्थानीय युवा कार्यकर्ताओं और महिलाओं को जिम्मेवारी दी गई है कि वे कांग्रेस प्रत्याशी के हक में प्रचार करें, वचन पत्र को जन जन तक पहुँचाएं। यूथ कांग्रेस और NSUI कांग्रेस की रीढ़ है, और जो इस तपती धूप में जो नौजवान साथी हमारे काम करेंगे वो शायद हम लोग भी नहीं कर पाए। और आज उन नौजवान साथियों में जो जोश था और उस जोश को सही दिशा में लगाने के लिए हम लोगों ने निर्देश दिए, उस जोश को 12 मई तक कायम बनाए रखें, ये हमारा निर्देश है। और सब लोग अपने बूथ लेवल पर कांग्रेस के प्रचार प्रसार में लग जाएं। ग्वालियर संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी की घोषणा हुए एक सप्ताह से ज्यादा का समय निकल चुका है, लेकिन चुनाव प्रचार में अभी तक गर्मी नहीं आई है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि नामांकन प्रक्रिया निपटने के बाद यानी 23 अप्रैल के बाद चुनाव माहौल गर्माएगा। दरअसल ग्वालियर जैसी प्रतिष्ठित सीट पर कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है। ऊंट किस करवट बैठेगा फिलहाल ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन पार्टी के बड़े नेताओं की ग्वालियर से दूरी ने प्रचार को गति नहीं दी है। खास बात यह है कि कांग्रेस प्रत्याशी अशोक सिंह शनिवार को अपना पर्चा दाखिल कर चुके हैं, जबकि शुक्रवार को भाजपा के उम्मीदवार विवेक सेजवलकर अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। ये दोनों ही प्रत्याशी एक बार फिर अपने समर्थकों के साथ सोमवार और मंगलवार को नामांकन पत्र दोबारा दाखिल करेंगे, लेकिन पार्टी के किन नेताओं को ग्वालियर आना है इसका पता नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि सोमवार को सेजवलकर के नामांकन के समय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। इसके अलावा पार्टी प्रत्याशी के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के आने की पूरी संभावनाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विवेक सेजवलकर जी कल फॉर्म भरने वाले हैं। सभी 8 विधानसभाओं से बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे, उनके साथ में जुलूस के रूप में जाएंगे और कलेक्ट्रेट में फॉर्म भरेंगे। कल दोपहर में 12 रामलीला मैदान मुरार में सभा भी है, उसके बाद जुलूस है, फिर नामांकन है। शिवराज सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे नेता नरेंद्र सिंह जी, वो उसमें उपस्थित रहेंगे। 8 विधानसभाओं के जैसे सभी कार्यकर्ता उस कार्यक्रम के लिए आएंगे, तो बड़े आयोजन के बाद जब लोग उत्साह से जाएंगे तो कल से पूरे चुनाव क्षेत्र में, लोकसभा के क्षेत्र में काम हमारा शुरू हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी आने वाले, उनकी मध्य प्रदेश में 10 सभाएं, हर एक संभाग में एक सभा करेंगे। उनकी जैसी तारीख हमको मिलेगी, जब 4वें और 5वें चरण का चुनाव प्रचार वो शुरू करेंगे, तुरंत उनकी सभा होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी आने वाले हैं। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश जो हमारा संगठन है वो योजना बना रहा है, जिनकी जहां आवश्यकता हो रही है सबसे जैसे जैसे कार्यक्रम मिलते जाएंगे इस साल प्रचारक आते जाएंगे। इसी तरह कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक एवं पार्टी महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के ग्वालियर आने की संभावना है, लेकिन दौरा कार्यक्रम फिलहाल तय नहीं हुआ है। फिलहाल दोनों ही प्रत्याशी अपने स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को जोड़ने और मेल मुलाकात का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि नामांकन प्रक्रिया निपटने के बाद स्टार प्रचारकों की सूची आएगी, उसके बाद चुनावी माहौल गति पकड़ेगा। स्टार प्रचारक अभी आएंगे, उसकी लिस्ट अभी आनी है, तो जैसी आएगी हम आपको सूचित करेंगे।
मैं सभी जगह उत्साहित हूँ कि लगातार जनता का अपार जन समर्थन हमें मिल रहा है। नहीं, चुनाव प्रचार हमारा लगातार न तेजी है न मंदी है, चुनाव प्रचार हमारा चल रहा है, कार्यकर्ता लगातार कार्य कर रहे हैं और पूरी ताकत के साथ सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। अभी तक किसी अपराध की डीएनए रिपोर्ट के लिए सागर स्थित स्टेट फॉरेंसिक लैब को सैंपल भेजे जाते हैं। इस लैब में 200 से अधिक सैंपल वेटिंग में रहते हैं। इसको देखते हुए अब ग्वालियर में डीएनए टेस्टिंग लैब खोलने की तैयारी की जा रही है। इस डीएनए लैब के लिए 5 से 7 करोड़ रुपए के उपकरण खरीदे जाने हैं। इनमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स इक्विपमेंट शामिल होते हैं। बाकी बजट से इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी कार्य कराए जाएंगे। यहां आपको बता दें कि वर्ष 1953 में वैज्ञानिक जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। जिंदा कोशिकाओं के क्रोमोजोम्स में पाए जाने वाले तंतुनुमा हिस्से को डीएनए कहते हैं। डीएनए का आकार किसी घुमावदार सीढ़ी की तरह होता है। इसका एक अणु 4 अलग अलग केमिकल ब्रूट से बनता है जिन्हें न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ऐसे में ग्वालियर में फॉरेंसिक लैब को और समृद्ध बनाने के लिए डीएनए जांच की सुविधा शुरू करने के प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इसके लिए 12 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट लगेगा। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद लैब तैयार कराई जाएगी। लोकसभा चुनाव के लिए जमा हुए 7 में से 5 प्रत्याशियों के फार्म में कुछ न कुछ कमियां हैं। इसी कारण कलेक्टर अनुराग चौधरी ने उन्हें सूचना भेज दी है ताकि वे तय समय पर उन्हें सुधार सके। यहां हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए जो नामांकन फार्म जमा हुए हैं उसमें से महापौर विवेक नारायण सेजवलकर के फार्म में विभिन्न विभागों की एनओसी नहीं थी। इसी कारण उनके 2 प्रतिनिधि एनओसी लेकर कलेक्टर न्यायालय में पहुंचे। ऐसे ही 4 उम्मीदवार आनंद सिंह कुशवाहा, ब्रजमोहन सिंह, सोबरन सिंह व ममता कुशवाहा के भी नामांकन फार्म में कुछ न कुछ कमियां हैं। कुछ ने कालम ही खाली छोड़ दिए हैं। इसी कारण रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से इन सभी प्रत्याशियों से कहा गया है कि वे चेकलिस्ट के माध्यम से फार्म की कमियों को आयोग द्वारा तय की गई डेट से पहले ही दूर कर दें। गोले का मंदिर स्थित मार्क अस्पताल की खाली भूमि पर अस्थाई गौशाला में गायें भूख प्यासे तड़प रही हैं। यहां पीने के पानी और चारे की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से रोजाना 2 से 3 गायें मर रही हैं। नगर निगम के अधिकारियों ने पानी के लिए बोरिंग तो करा दी है लेकिन बिजली का कनेक्शन नहीं हो पाया है। इस कारण गायों को पानी नहीं मिल पा रहा है। निगम के जिम्मेदार अफसर चारे के लिए लाल टिपारा गौशाला से व्यवस्था कराने की बात कह रहे हैं। गौरतलब है कि निगम की लाल टिपारा गौशाला अभी पूरी तरह व्यवस्थित है। वहां पिछले दिनों गायों की संख्या 3000 से बढ़कर 7000 तक जा पहुंची है। इसके बाद भी शहर में 10000 पशु सड़कों पर घूम रहे हैं। ऐसे में निगम की टीम ने 1800 से ज्यादा गायों को अस्थायी गौशाला मार्क अस्पताल की खाली पड़ी भूमि पर भेजना शुरू कर दिया है। लेकिन यहां ज्यादा गायों के होने से निगम की लाल टिपारा गौशाला का बजट भी गड़बड़ाने लगा है। मार्क अस्पताल की गौशाला में गायों के चारे की व्यवस्था के लिए शहर के 3 बड़े मंदिरों के ट्रस्ट ने जिम्मेदारी ली थी। कुछ दिन तक तो सब ठीक रहा, अब वे चारे की पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर रहे हैं और गायें मजबूरी में दम तोड़ रही हैं। बहुजन समाज पार्टी के ग्वालियर संसदीय क्षेत्र के लोकसभा प्रत्याशी बलबीर सिंह कुशवाहा की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। JMFST कोर्ट उनकी जमानत ही निरस्त कर चुकी है, लिहाजा सोमवार को सेशन कोर्ट में उनके वकील एक बार फिर जमानत के लिए अर्जी दाखिल करेंगे। बसपा प्रत्याशी कुशवाहा ने आरोप लगाया है कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है, इसलिए वह पीछे नहीं हटेंगे और जेल से रहकर ही चुनाव लड़ेंगे। दरअसल ग्वालियर की बहड़ापुर पुलिस ने हत्या की कोशिश में 1.5 साल पुराने मामले में उन्हें गुरुवार की रात गिरफ्तार किया था। बहड़ापुर पुलिस ने उन्हें 1 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया था। रिमांड की अवधि समाप्त होने पर उन्हें शनिवार शाम को JMFST मेगा अग्रवाल की कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें पुलिस सुरक्षा में जेल भेज दिया गया। इस दौरान बसपा प्रत्याशी बलवीर सिंह कुशवाहा ने आरोप लगाया है कि उन्हें एक झूठे मामले में फंसाया गया है। उनका टिकट फाइनल होने के बाद कांग्रेसी भाजपा ने साजिश करके पुलिस के जरिए उन्हें गिरफ्तार कराया है, इसलिए वे JMFST कोर्ट के जमानत के आवेदन के निरस्त होने के बाद आप सेशन कोर्ट में सोमवार को दोबारा अपने वकील के जरिए आवेदन करेंगे। उन्होंने कहा कि उन पर झूठा हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया है।
उस सिलसिले में वे कई बार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मिल चुके हैं और निष्पक्षता से जांच कराने की मांग कर चुके हैं। जब घटना हुई थी तब वे घर में थे, इसकी तस्दीक कांस्टेबल ने अपनी रिपोर्ट में भी की थी। बावजूद इसके उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है, इसे वे चुनौती देंगे और चुनाव से पीछे नहीं हटेंगे। वे जमानत नहीं मिलने पर जेल से ही चुनाव लड़ेंगे, इसके लिए विधिवत रूप से अनुमति भी निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त करेंगे। ये राजनीति मुद्दा बनाया गया है। मैं तो चूंकि 11/11/2017 का केस है मेरा, और मैंने कभी जो है मेरे घर पुलिस नहीं आई है। एक बार मेरे बेटे को पकड़ के ले गई थी जिस दिन केस हुआ है 11/11/17 को। उसके बाद में मुझे, मैं शहर में भी घूम रहा हूँ, सारे चीज़ें कर रहा हूँ, घर द्वार पर भी रह रहा हूँ, रात में रिश्तेदारी में भी जा रहा हूँ, किसी ने मुझे टच नहीं किया है। और एकदम से लेके मुझे उठा लिया। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आपको? हाँ, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत परेशान किया जा रहा है। नहीं, मुझे बता रहे थे कि केस ख़त्म हो रहा है। मैंने SP साहब के यहाँ आवेदन दिए, लिखित में मैंने जो है IG साहब के यहाँ आवेदन दिए। तो मैं तो ये मानना था मेरा केस का झूठा है, मुझ पर मैंने मतलब, और जिस दिन जो केस हुआ जब मैं घर पर मिला था, मतलब सागर है कांस्टेबल, उनने बताया कि मैं मतलब घर पे हूँ। TI से मेरी तोमर साहब से डायरेक्ट बात हुई फ़ोन पे, मैंने कहा मैं घर पे हूँ, आप बेटे को उठा लाए हो। और ज़्यादा कितना टाइम, जहाँ से बोड़ापुर जाने में, मेरे जिंदगी छावनी से बोड़ापुर जाने में कितना समय लगा होगा? या 10 मिनट? अगर 10 मिनट में कहीं अपराध करके आऊँगा तो 10 मिनट में अपने घर नहीं आ जाऊँगा। जब मैं तुम्हें घर में लाऊँ, TI साहब से मेरी बात हुई है सारी चीज़ें। तो फार्म कैसे भर पाएंगे आप? पत्नी को लड़ाएंगे, क्या करेंगे? अब फार्म कैसे भर पाऊंगा ये तो अब मैं क्या बताऊँ, मतलब जैसे मुझे फार्म भी डालना है। इन्हें 11/11/2017 का 307 का केस था, थाना बड़ौप में गिरफ्तार किया गया, JFC रिमांड शिवांगी साहब के वहाँ पे 437 पेश किया था, क्योंकि इन्हें पावर नहीं थी, इसलिए वो अब आगे सेशन में लगी मंडे को, क्योंकि अभी अपराध साबित नहीं हुआ। जब तक साबित नहीं हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे। शहर की थाटीपुर पुलिस ने एक ऐसे दुष्कर्मी और नज़दीकी रिश्तेदार को गिरफ्तार किया है जो अपने ही रिश्ते में बहन लगने वाली नाबालिग लड़की से 5 सालों से रेप कर रहा था। परेशान होकर लड़की ने 1 अप्रैल को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। भाई की प्रताड़ना से प्रताड़ित एक बहन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में उसने अपने रिश्ते में भाई लगने वाले अजय दीक्षित पर आरोप लगाया था कि वह जब कक्षा 7 में थी तभी से उसका यह नज़दीकी रिश्तेदार यौन शोषण कर रहा था। लड़की ने सुसाइड नोट में यह भी लिखा था कि दुष्कर्मी अजय ने उसका वीडियो भी बना रखा था, जिसके जरिए वह पिछले 5 सालों से उसका दैहिक शोषण कर रहा था और शिकायत करने पर बदनाम करने की धमकी देता था। थाटीपुर पुलिस ने मामले की जाँच के बाद दुष्कर्मी अजय के खिलाफ बलात्कार और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने उसे UP के फिरोजाबाद जिले के टूंडला से गिरफ्तार किया है। उसे कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उसे जेल भेजने की कार्रवाई चल रही है। घटना को लेकर लड़की के परिजन भी हैरान थे। उन्हें नहीं मालूम था कि रिश्तेदार का लड़का जो पढ़ने ग्वालियर आया था, इस कदर हैवान हो सकता है। घटना ने समाज में नैतिक मूल्यों के पतन का एक शर्मनाक उदाहरण पेश किया है। 1 अप्रैल को थाना ठाटीपुर के कुबेर आश्रम क्षेत्र में एक 17 वर्ष की नाबालिग युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसके आत्महत्या के बाद जब जांच के दौरान सुसाइड नोट मिले, उसमें उसने बताया कि अजय दीक्षित, जो कि उसकी सगी बुआ का लड़का है, उसने पिछले बेहद 5 वर्षों से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था, इससे तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। जाँच पर से आरोपी अजय दीक्षित के खिलाफ अपराध धारा 376 305 IPC कायम किया गया, और घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा था, जिसको पुलिस ने बड़ी हिकमत अमली से मेहनत करके कल दिनांक को गिरफ्तार कर लिया और उसका पुलिस रिमांड लेकर घटना के बारे में विस्तृत उससे पूछताछ की जा रही है। यह बात सही है कि महिला के सुसाइड नोट में ये बात आई है कि उसने उसका वीडियो बना लिया था असली, तो उस असली वीडियो के बारे में भी पता रस्सी और तलाश की जा रही है। लड़की के अनुसार जब वो कक्षा 7 में पढ़ती थी, आज वो कक्षा 12 में, यानी कि लगभग 5 वर्ष पूर्व से। शहर की कोतवाली पुलिस ने IPL मैच में सट्टा लगाते 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 कुरियर बॉय और 1 होटल मालिक भी शामिल है।
दरअसल दो दिन पहले कोतवाली पुलिस ने मुकेश नामक एक सटोरिये को गिरफ्तार किया था। उसके मोबाइल में 3 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन मिला था जो मैच से संबंधित था। मैच में हर रन पर 100 की जगह 200 दिए जाने का जिक्र किया गया था। इसी टिप पर नारंगी बाई मंदिर के पास रहने वाली सुनील गजवानी को पुलिस ने पकड़ा। यह होटल मालिक बताया जाता है और अपने होटल से ही अपने साथी संदीप शर्मा और सुरेंद्र मांडली के साथ लंबे अरसे से इस गोरख धंधे में लगा था। फिलहाल यह लोग मुंबई और राजस्थान के बीच चल रहे आईपीएल मैच में सट्टा खिला रहे थे। दो अन्य लड़के भी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। इनके कब्जे से सट्टे की कई पर्चियां और विशेष प्रकार का पेन भी बरामद किया गया है। 4 मोबाइल फोन और 28 लाख रुपए का हिसाब किताब इन लोगों के मोबाइल में दर्ज है। पुलिस को उम्मीद है कि इस रैकेट में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। कोतवाली पुलिस ने सभी के खिलाफ गैम्बलिंग एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पिछले कई दिनों से आईपीएल का सट्टा लगने की सूचनाएं हम लोगों को प्राप्त हो रही थी, जिसमें थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा अपने मुखबिरों को सक्रिय किया गया था और इसी समय हमने मुकेश नाम के एक सटोरिया को आईपीएल पर सट्टा लगाते हुए दिन में पकड़ा था, जिससे लगभग जिसके मोबाइल में 3 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन और उससे 1200 रुपए राशि जो है नगद जब्त हुई थी। इसी टिप पर से पुलिस ने आगे बढ़ते हुए 2 कुरियर बॉयज़ को भी इसमें पकड़ा और इसके बाद एक व्यापारी को, फिर एक होटल एम्प्लाई गुरुकृपा होटल के मालिक को भी पकड़ा। इस पर कुल 5 आरोपी हम लोगों द्वारा आईपीएल का सट्टा लगाते हुए पकड़े हैं, जिनके मोबाइलों से लगभग 28 से 30 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन मिला है और 32,000 रुपए की नकदी इन लोगों से बरामद हुई है। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में गत रोज शहर की विभिन्न हनुमान मंदिरों पर पूजन हवन के साथ धार्मिक आयोजन तो हुए ही, रात्रि की बेला में संगीत संध्या का भी आयोजन किया गया। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर महाराज बाड़े से रोकड़िया सरकार का विशाल चल समारोह निकाला गया, जो छतरी मंडी स्थित रोकड़िया सरकार मंदिर पहुँचा। चल समारोह के बाद मंदिर में बाबा का विशेष पूजन किया गया और फिर यहां भजन गायक लखविंदर सिंह लखा ने देर रात तक भजनों की प्रस्तुति भी दी। एक महीने की कवायद के बाद भी नगर निगम शहर में तिगरा से नियमित पानी की सप्लाई कराने पर फैसला नहीं ले सका है। पहले पानी की कमी, फिर संसाधन और मेंटेनेंस के कारण रोजाना पानी देने से कतराने वाले अफसर अब अमले की कमी का बहाना बना रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि मोती झील वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पीछे स्थित रिजर्वायर को भी पूरा भर लिया गया है। उधर तिगरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मेंटेनेंस भी हो चुका है, अब नियमित सप्लाई में कोई समस्या नहीं है, लेकिन अफसर ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। गौरतलब है कि प्रदेश की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने 2 माह पूर्व कलेक्टर और निगम आयुक्त के साथ बैठक कर पानी नियमित सप्लाई करने के निर्देश दिए थे। रिजर्वायर को भरने के लिए मोती झील प्लांट पर 2 MCFT पानी तिगरा बांध से हर दिन ज्यादा लिया जा रहा था। इसके लिए तिगरा में 19 की जगह 23 चूड़ियां खोली गई थी। रिजर्वायर गत रोज 7 फीट तक भर जाने के बाद नगर निगम ने चूड़ियां कम करा दी हैं। गौरतलब है कि रिजर्वायर में पानी रहने पर जब कभी बिजली की समस्या आ जाती है, तब इसी पानी से शहर में सप्लाई की जाती है। प्रदेश के मुख्य सचिव सुधीर रंजन मोहंती ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में विद्युत, पेयजल और गेहूँ, चना, मसूर और सरसों उपार्जन की समीक्षा की। कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के सभी संभाग आयुक्त और कलेक्टर मौजूद थे। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों से निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए अपने अपने जिलों में गहन निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। VC में बताया गया है कि विद्युत व्यवस्था में लापरवाही बरतने वाले 357 अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती के मामले में कमी आई है। पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष विद्युत आपूर्ति में 15% की बढ़ोतरी हुई है। मुख्य सचिव ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि विद्युत आपूर्ति की वजह से पेयजल आपूर्ति प्रभावित नहीं हो। उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि वे इस संबंध में पटवारी, ग्राम सचिव, कोटवार आदि से लगातार फीडबैक लें।
उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि विद्युत व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखने और विद्युत आपूर्ति में बाधा डालने वाले प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ FIR और दर्ज कराएं। साथ ही कलेक्टर और कमिश्नर से मौसम आदि पानी आदि के दौरान विद्युत कंपनी के अधिकारियों के साथ सतत संवाद रखने की अपेक्षा की। और अब हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहिए इंडिया खबर लाइव के साथ। नमस्कार।